मर्डर कर देंगे, आप मर्डर करेंगे, आप मर्डर करेंगे, पूरा गाड़ी के नीचे ला दिया मिशन को। ये सारे से भूखा कर दिया सुबह सुबह। हम जस्ट मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे, वहाँ पे झील पे गए थे, झील पे जहाँ पे हम मॉर्निंग वॉक करते, तो आने के टाइम में एक रोड है जहाँ पे चारों तरफ से कार आता है, मतलब चौरास्ता मोड़ बोलते हैं हम, तो बीच में एक सर्कल है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि किसी एक बंदे ने दो लाइन की जगह एक ही साइड का तीन लाइन बना दिया, तो उधर से जो लोग आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, उनको जाने के लिए तो जगह देना चाहिए। बिल्कुल हमारे कार के साथ एकदम मतलब घिस के अपना कार लगा दिया रेड कलर का। उस बंदे ने क्या किया कि जबकि उसने थर्ड लाइन बना दिया, मतलब सेकंड लाइन पे उनको घुसना है, तो मिथुन पास करेंगे उसके बाद तो हमारे लाइन पे घुसना है। मिथुन पास करते हुए इस तरह से स्टीयरिंग घुमाया कि हमारे कार का जो पीछे का हिस्सा है वो टूट गया, रिमूव नहीं हुआ, कम्प्लीटली टूट गया है। तो उस टाइम में वहां पे बहुत भीड़ था, तो मिथुन वहां पे रुके नहीं। मिथुन सोचा कि हमारे सेम वे पे तो जा रहे, थोड़ी देर जाओ, उसके बाद वहाँ पे रुक के थोड़ा सा खाली होगा, जहाँ पे जैम वैम नहीं होगा उस टाइम में उनको पकड़ेंगे कि अपने ऐसा क्यों किया, भीड़ में हर कोई चलता है, इसका मतलब दूसरों के कार तोड़ दो आप। वहाँ पे जाके बंदे को जब रोका, कैसे बताओ, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आपके हस्बैंड के ऊपर अगर कार चढ़ाया जाए तो उस टाइम में आपका इतना ध्यान नहीं रहेगा कि हाथ में मोबाइल है, इसका कुछ प्रूफ रख दे क्योंकि पुलिस स्टेशन में हमें जाना है। उस बंदे ने जब उनको रोका, ऐसा बोला कार के सामने जाके, कार रुकवा के, मिथुन कार रुकवा के उनके कार के सामने जाके बोला कि कार रुकिए, आपने मेरे कार का पीछे क्या किया। बंदे ने हाई स्पीड पे एक्सेलेटर दबा के मिथुन के ऊपर कार चला दिया, मिथुन पीछे मतलब रिवर्स में वो दौड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार चला। आप वो दृश्य अगर आप देखते ना गाइस, आप मतलब शॉक हो जाते हैं। उस टाइम में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे हाथ में तो मोबाइल वैसे ही रहते, मैं कार से निकल के मोबाइल हाथ में, मेरा पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था। सारे जो लोग थे ट्रैफिक का कुछ हद तक वाइब वहां तक भी था, तो दो चार बाइक कार वहां पे थे, वो लोग मतलब चिल्ला रहे थे, आप क्या कर रहे हो, ये बंदा मर जाएगा, ऐसे चिल्ला रहे हैं। और वहाँ पे जो शॉपकीपर थे वो लोग निकल आए, निकल आने के बाद बंदे को रुकवाया, वहाँ पे दरवाजा खोल के कॉलर पकड़ के बाहर निकला। उसके बाद लोग बोले आपके हाथ में मोबाइल है, आप शूट करो, पुलिस स्टेशन में ये काम आएगा। फिर मैंने थोड़ा कुछ शूट किया था, आप यकीन नहीं कर पाओगे उस टाइम उस बंदे ने क्या किया। मिथुन वैसे ही मिथुन थोड़ा सा फैट है तो वो भाग नहीं सकते, तो उनको बस बोला आपने मेरे कार के पीछे ऐसे मतलब उसे तोड़ा क्यों। सारे लोग ऐसे जैम में आते जाते रहते पर स्लो ना, जिनका भी जो भी जल्दी रहे, सारे लोग ऑफिस जाते, कोई अपने बच्चे को लेकर स्कूल जाते, पर आपने आपका इतना जल्दी है कि आप मेरे कार को ही तोड़ दिया। इस तरह से हर कोई अगर करने लगे तो हर किसी का कार टूटा हुआ रहेगा। थोड़ा कार रुकने के लिए बोला वो बंदा, रुकना तो दूर की बात है, एक्सेलेटर का जो स्पीड है वो बढ़ा दिया, घूम 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 आ जो रहे। मैंने कहा मिथुन हट जाओ थोड़ा, बोले नहीं इस कार से निकलना पड़ेगा, ये पहले मुझे बोले कि ये इस तरह से क्यों, उन्होंने इस तरह से मतलब कार घुमाया, मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम में मेरे अंदर सारे लोग मुझे डांट रहे कि आपके हाथ में मोबाइल था फिर भी आपने इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया। दृश्य ना टीवी में देखने को मिलता है सिर्फ, कि पीछे भाग रहा है बंदा और कार लेके सामने भाग रहा है और वो रिवर्स में दौड़ रहे हैं, और इस तरह से मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ चीज़ को। बोले अभी जो है वो आप रिकॉर्ड करो। सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो मिथुन अभी गए, मुझे यहाँ पे छोड़ के मिथुन गए पुलिस स्टेशन। अभी पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, पर वो जो शॉपकीपर्स जो वहाँ का जो लोकल शॉपकीपर्स है उन लोगों ने बोला कि भाई साहब आप जाओ, हम लोग जा रहे हैं गवाही देने, मिथुन का शायद फ़ोन है। जब मैं वॉक पे गई थी तो उससे पहले मतलब आर्यन को स्कूल भेजने के बाद ही मैं कुछ बासमती राइस भिगो के गई थी, मतलब हिलशा पे शाही घर में, तो आज थोड़ा सा नया ट्राई करते हैं, हिलशा बिरयानी बनाऊंगी। तो सच बोलूँ तो राइस तो आके बना लिया, पर सच बोलूँ तो अभी मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा वाला कुकिंग करूँ, क्योंकि कुकिंग जब करती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो हैप्पीनेस है, मैं जब सैड होती हूँ तभी मैं कुकिंग करती हूँ, अच्छा लगता है। पर ये कोई सिर्फ सैडनेस नहीं है, मतलब एक इंसिडेंट है, एक एक्सीडेंट है। अगर कोई कुछ भला बुरा भी बोल देना तो भी पूरा दिन मैं उसी बात को सोचती हूँ, बहुत बुरा लगता है कि किसके साथ मैंने कोई गलत नहीं किया, कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। कोई काम जब करती हूँ ना तो हमेशा वो काम के बीच बीच में वो बात चलती है, और आज सुबह सुबह जो हुआ ना वो बोला बहुत मुश्किल है, मतलब कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, छोड़ो फिर भी अपने काम को करना है। और जो हो गया सो हो गया, हमारा जो मेजर लेना था वो हमने ले लिया, हमने जाके पुलिस में कंप्लेंट किया, आप लोगों को दिखाता हूँ एक मिनट। पता है शायद इससे कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट मिलेगा इस उम्मीद के बिना, बिकॉज़
ये कोतनूर पुलिस स्टेशन ने रिपोर्ट लिया, उसका रिसीप्ट दिया, मुझे बोला कि वो लोग उनको बुलाएंगे, बुला के उससे बात करेंगे कि ऐसे बिहेवियर क्यों रस्ते में। गाड़ी पर उनका नाम नहीं था, हमें नहीं पता। गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर देके मैंने रजिस्टर किया कंप्लेंट। तो हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट किया, डायरी किया, पुलिस ने डायरी में लिखा, वो जो रिपोर्ट होता है इंसिडेंट रिपोर्ट, वो हमें रिसीप्ट भी दिया। FIR करने के लिए पुलिस भी मना किया, बोला कि उसका कैरियर में प्रॉब्लम होगा और आपको भी कोर्ट में जाना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, उसके साथ केस लड़ना होगा, तो इसीलिए वो नहीं किया। जनरल डायरी लिया पुलिस ने, उसका रिसिप्ट दिया और बोला कि उसको बुलाएंगे, उसको बुलाने के बाद हम लोगों को भी बुलाएंगे, फिर पुलिस के सामने बात करेगा। और जो गाड़ी का डैमेज किया उसका तो अलग, और उसके ऊपर बोला कि हम उसे, आप जो वीडियो फुटेज दिखाए उसके हिसाब से, और सीसीटीवी से अगर मिल जाए, सीसीटीवी से अगर फुटेज लेते हैं तो वो लेके उसके साथ बात करेंगे और उसको वार्निंग देंगे कि ऐसे बिहेवियर और आगे कभी किसी के साथ ना करे। मैं इस बात से हैरान हूँ, उस बंदे की आंखों में थोड़ा सा भी गिल्टी नहीं था कि किसी की गाड़ी इस तरह से मतलब तोड़ दिया पीछे का हिस्सा, गिल्टी नहीं है। फिर भी छोड़ो, भड़क गए और जरा सा मिथुन ने तमीज के साथ बोला कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर इस तरह से भीड़ भाड़ में एक दूसरे की गाड़ी को ठोक देते तो रास्ते में चल रहे तो मुश्किल हो जाएगा, अगर किसी भी कारण से मिथुन गिर जाता ना तो मिथुन के ऊपर से गाड़ी चला जाता। और मैं जब उसको बोला ठीक है चलो पुलिस स्टेशन चलो, पुलिस के सामने ये करते कि तुमने गाड़ी ठोका ये के, तो बोला पुलिस मेरा क्या कर लेगा, जो जाके पुलिस में रिपोर्ट कर, कंप्लेन कर, ऐसे करके तू तकारी करके बोल रहा है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुलिस को ये भी बोला, देखते हैं पुलिस क्या करते हैं, बट ठीक है हम अपना काम किया, अभी पुलिस का काम पुलिस करेगा, उसके बाद उसका काम वो करेगा, पता नहीं क्या है। फिश फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचता है ना, तो उसमें मैंने अनियन और जिंजर गार्लिक अच्छे से कुक कर लिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी ये कर्ड, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला और रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं बिरयानी रेडी कर रही हूँ स्टीम में देने के लिए। तो सबसे पहले इस बर्तन का जो फर्स्ट लेयर होगा वो है राइस का, लगभग एक मोटे लेयर में मैं यहाँ पे राइस स्प्रेड कर दूंगी। और फिश बिरयानी है जबकि, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, तो इसलिए मैं एक ही लेयर में डालूंगी, बस इतना काफी है। और अभी एक एक करके सारे फिश मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। निकालने के टाइम में ना इसे बहुत ही सावधानी के साथ निकालना पड़ेगा। और अभी इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूंगी कुछ धनिया, कुछ ग्रीन चिली, और फिर राइस का और एक लेयर इसमें डालूंगी। और ये जब सर्व करेंगे ना तो सबसे पहले फिश को निकाल लेना किसी भी तरह से, अदरवाइज जैसे कि चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी सर्व किया जाता है उस तरह से अगर करेंगे ना तो सारे फिश जो है टूट जाएगा। इसमें भी मैं सेम चीजें स्प्रिंकल करूंगी। और इस बिरयानी में किसी भी तरह के खुशबू मतलब फ्लेवर यूज मत करना। फ्लेवर क्या होता है कि ये जो हिलशा का जो ओरिजिनल फ्लेवर है ना उसे बिल्कुल घटा देते हैं। कुछ बिरिस्ता और ये रहा बिरयानी मसाला, और थोड़ा ज्यादा ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे जो हमारा सबसे छोटा वाला बर्नर है इसे ऑन करके एकदम लो फ्लेम में छोड़ देंगे। इसमें पानी के ऊपर जैसे कि स्टीम देते हैं वो भी अगर आप चाहे तो दे सकते हैं, अगर ना भी हो ना तो ऐसे सबसे छोटा वाला जो बर्नर है उसमें एकदम लो फ्लेम में अगर रख देंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। खाना है हमारा रेडी, तो एकदम से किचन से यहाँ पे लेके आऊंगी एकदम वो बड़ा सा पैन जिसमें बिरयानी बनाई है, तो यहाँ पे मैं आराम से उसे सर्व करूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जाके ना बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी बहुत ज्यादा है, और कोई भी चीज अगर आप बहुत शौक से प्रेजेंट करते हो ना तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा जगह भी चाहिए। वाओ, ये जो धुआं है ना इसमें आधा से ज्यादा खुशबू बसा हुआ रहता है। आराम से राइस को ऐसे हटाओ, एक एक पीस को बहुत सावधानी के साथ लो। तुम्हारे हिसाब से कभी कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए, आज ये खा के देखो। इसीलिए तो आज मैंने तुम्हें मना नहीं किया, उस दिन बहुत बदनाम किया कि मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने नहीं देते तो इसीलिए आज मना नहीं किया। मेरा सपोर्टर तो कम है ना, तुम लोग सारे इनके सपोर्टर हो, तो मुझे सपोर्ट कोई नहीं किया।
अच्छा, तो इसलिए इंग्लिश बिरयानी तुमने पहले भी एक बार बनाया? एक बार, एक्चुअली तरह तरह की चीजें ना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज, सेम चीज हम सेम तरीके से बचपन से खाते, बरसों से खाते आए हैं, पर कभी अगर नया ट्राई नहीं करेंगे तो नया नया रेसिपी कैसे आएगा? सब कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? वाइफ ही पुराना अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस बहुत है इस बंदे में, ट्राई करना है? नहीं नहीं नहीं, कर सकते हैं। नैरा मिल तो ले जाए एक बार। अच्छा अच्छा, बुरा भला जो भी हो, एक दो बाइट और लेने दो, क्योंकि गर्मी में उतना टेस्ट नहीं समझ में आता है ना। अच्छा बना है, लेकिन हिलसा का जो एरोमा है वो उतना, मतलब हेवी एरोमा, हाँ वो नहीं आ रहा है, और ये राइस में कुछ वो पुराना चावल है शायद। सो गाइस, अभी शाम की टाइम है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो अभी टाइम है चाय की, तो एक कप गर्म गर्म चाय के साथ सारे टेंशन दूर कर देते हैं, और जो भी हुआ पास्ट को पास्ट ही रहने देते हैं। हम बात बात में बोलते हैं ना, पास्ट इज पास्ट यार, भूल जाओ उसे, तो उस तरह से अपने मूड को फ्रेश करने के लिए एक कप गर्म गर्म चाय तो बनता है। पर आज तुम चाय बना रही हो, इसलिए ऑस्कर माइलो दोनों जाके मुझे बुला के लाया। तो ठीक है, क्या ना, बेडरूम में अभी तक तुम सोए हुए थे, पर आज चाय के साथ कुछ नहीं खाओगे, कुछ लोगे, क्योंकि आज थोड़ा सा हेवी हो गया लंच एक्चुअली। और हाँ, और एक चीज, लंच की बात जब आई गई है, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा रोज वाटर और थोड़ा सा केवड़ा वाटर देना, पर मीठा इतने मत देना हिलसा बिरयानी में, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम रोज और केवड़ा वाटर मैंने दी थी, पर वो मीठा इतने नहीं दी थी। आज जबकि कुछ नहीं दिया, आज बहुत ही ऑर्डिनरी लगा, थोड़ा सा स्पेशल बिरयानी वाला ये नहीं आया, तो इसलिए आप जरूर देना अगर आप ट्राई करते हो तो। कौन खाएगा ट्रीट? किसे चाहिए ट्रीट? अगर ट्रीट हाथ पे देखा तो बस दोनों में ही एकदम इधर फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया ना। हाँ, लाइटर लेके आज हम कैंडल लाइट चाय पियेंगे, इसमें चार्ज नहीं है, हो जाएगा ये दोनों ना। हाँ। वाव। मैं सब वाव काम ही करता हूँ। जरा अपना सूरत दिखा ना। क्या है? सारे वाव काम ही करते हो। हाँ? कैंडल लाइट डिनर एक्चुअली बहुत कॉमन हो चुका है, तो इसलिए भी कैंडल लाइट चाय पे ध्यान देते हैं। दिखाई दे रहा है कैंडल? कैंडल लाइट चाय पे ध्यान देने से क्या करना होगा दिखाओ। क्या? वो खांसी वाला खुशी है, ज्यादा खुशी से मुझे खांसी आ जाती है। अरे सारे लाइट बंद कर दिया, देखो अभी जाके मजा आएगा ना। अगर कोई कीड़ा कुछ अगर गिर भी जाए ना तो वो दिखाई नहीं देगा। हाँ देखो अभी अच्छा दिख रहा है, चलो चाय पी लेते हैं। हाँ। और अगर बिस्किट अगर यहाँ वहाँ से अगर माइलो लेके भी चला जाता तो भी दिखाई नहीं देगा। बिस्किट इसीलिए नहीं लिया ना। अच्छा, कैंडल लाइट चाय के लिए। हाँ अभी अच्छा लग रहा है ना। चलो फेस पे चीयर्स। कैंडल लाइट चाय कितना टेस्टी होता है, वो गर्मी चाय में आ जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, किसी दिन हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे। अच्छा। सच में कैंडल लाइट उस टाइम में मतलब कुछ भी ऑन नहीं रहेगा। अच्छा। सब कुछ बुरा जो लाइट्स है वो सब ऑफ कर दूंगी, और सच में दो तीन कैंडल्स लेकर आऊंगी, और उस दिन बड़े बड़े लेग पीस लाएंगे हम, जो कि आर्यन की प्लेट से हम निकाल लेंगे। कैंडल लाइट डिनर आर्यन को लेके, ये होता है फैमिली मैन। नहीं, ये होता है टीनेजर के पेरेंट्स। आज था फिश, तो इसलिए आर्यन स्कूल से आने के बाद कुछ नहीं खाया, तो ये है चिकन, तो चिकन के साथ आज एक हेल्दी टमी भी फुल होगा इसमें, और इसमें ज्यादा ऑयल वगैरह भी नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा रेसिपी बनाने वाली हूँ, स्नैक्स रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए चिकन मिंस, और उसके साथ यहाँ पे गार्लिक और अनियन दोनों एक साथ अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है, तो अभी इसके साथ इसे मिक्स करना है। बिल्कुल मोमो का जो स्टफिंग होता है ना, बिल्कुल मोमो के स्टफिंग की तरह ये होगा। फिर इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, कोरिएंडर लीव्स, और अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अभी इसका ऐसे छोटे छोटे बॉल बनानी है, मतलब आप अपने हिसाब से बना सकते हो जैसे आपको पसंद है, पर साइज थोड़ा सा छोटा हो तो ही अच्छा, तो ज्यादा अच्छे से कुक होगा। ये बन गया बॉल, तो अभी इस बॉल को सोक्ड बासमती राइस में रैप करना है। ये बन गया एक, तो इस तरह से मैं सारे बना लूंगी। तो हमारा चिकन राइस बॉल रेडी है, और इसका कोई नाम एक्चुअली मुझे नहीं पता, पर मिथुन अभी भी बोला क्या बना रही हो, चिकन राइस बॉल, तब
मुझे याद आया, ठीक है इसका नाम रख देते चिकन राइस बॉल। इस रेसिपी को मैं 2015 में जब शोमलिस किचन मैंने क्रिएट किया था चैनल, तब मैंने एक बार शेयर की थी, पर आज इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम शायद मेरे इस चैनल में तो आपने कभी नहीं देखा होगा, मतलब भूल ही गई थी इस रेसिपी के बारे में। फिर याद आया क्या बनाया जाए, अरे वो नहीं खाएगा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा क्या बनाया जाए, तो सोचा कि फ्रिज में है चिकन मिन्स, उसके साथ ऐसा एक हेल्दी रेसिपी बना देते हैं। इसका और एक प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसका एक ड्रेसिंग बनाना पड़ेगा हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, ये है मोमो मेकर, इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, अभी इसमें एक एक करके ऐसे बिठा देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है, स्पेस बहुत ही कम है और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया है, और दो अगर एडजस्ट हो सकता है तो अच्छा है। ओह और एक बाकी रह गया है यार, चलिए यहाँ पे सेट कर ही देते हैं, एडजस्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, इन लोगों को एडजस्ट थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा आज। तो अभी ये होता रहे आराम से तब तक आयरन आ जाएगा, जबकि इसमें मैंने थोड़ा सा भी ऑयल यूज नहीं किया है, तो ये बहुत ड्राई लगेगा ना खाने में, तो इसे थोड़ा सा मॉइस्चर देने के लिए मैं यहाँ पे लूंगी थोड़ा सा बटर, और बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद मुझे ऐड करनी है फाइनली चॉप्ड गार्लिक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और जब गैस को टर्न ऑफ कर देंगे तो उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, तो इसे जस्ट दे देंगे, जबकि ये चाइनीज डिश है तो थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा और उसके साथ एक मतलब लुक भी अच्छा आएगा। कलर कितना बढ़िया आया है, तो गार्लिक अपना जो फ्लेवर है वो छोड़ दिया है, तो अभी इसे मैं टर्न ऑफ कर दूंगी और ये जो स्प्रिंग अनियन मैंने काट के रखी थी ना, तो ये इस पे डाल दूंगी। वैसे अगर आप चाहे तो इसमें ऑयल भी यूज कर सकते हैं बटर की जगह, पर बटर में जब ऐसे यूज करूंगी सॉस में एक्चुअली ऑयल की जगह बटर या तो घी ये सारी चीजें अच्छा लगता है। हो गया हमारा सॉस रेडी, तो अभी मुंह दिखाई होगा हमारे नए रेसिपी का। वाओ कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखो बिल्कुल फ्लावर की तरह। तो ये अभी बन चुका है, इसे अभी मैं सर्व करूंगी, तो वो तो एक्चुअली अभी गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब तक मैं आर्यन के कल के टिफिन की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये गार्लिक और अनियन और उसके साथ मैं चॉप्ड पनीर ऐड करी हूँ, पनीर पराठा एक्चुअली कल मैं उसे बना के दूंगी, और ये रहा रोस्टेड क्यूमिन एंड रेड चिली पाउडर, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा चाट मसाला, जबकि आर्यन खाएगा तो आज ग्रीन चिली मैं नहीं दे रही हूँ, और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और आटा गूंदा हुआ है ऑलरेडी, तो उसके साथ मैं स्टफिंग करके मैं रखती हूँ पूरे रात, तो कल जाके स्टफिंग की और प्रॉब्लम नहीं होती। मैं क्या करती हूँ जस्ट उसे बेल लेती हूँ और फिर फ्राई करके डाल देती हूँ, और सॉल्ट इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो सॉल्ट और ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी होगा एक धमाकेदार प्रेजेंटेशन। और बिल्कुल ऊपर से मैं ऐड करने वाली हूँ ये सॉस। अमेजिंग कलर, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, और आई होप कि आर्यन को खाने में भी उतना ही अमेजिंग लगेगा। तो आर्यन है अभी खाने के लिए रेडी। यस रेडी। स्पून और फॉर्क चाहिए? नहीं, हाथ से ही। ऐसे ही हाथ से? यस। हाँ, हाथ से खाने में जो मजा है वो स्पून फॉर्क और नाइफ से क्या मिलता है। चलो चलो ट्राई करते हैं। हे पूरा हे मुंह में डाल दिया, देखो गरम है। कैसा बना? क्या हूँ? अच्छा मुंह में है, अभी बात कैसे करेगा? तो अभी मेरा लास्ट काम जो है वो है इसमें से कुछ बर्तन मैं क्लीन करके रखूंगी, क्योंकि पूरे दिन मैं काम करते हुए ना मतलब बाकी के काम करते हुए कुछ बर्तन मैं क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि इतना सारा बर्तन मैं बेचारी राधिका का काम कर रही है तो इतना सारा बर्तन उसके लिए थोप दूँ ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ये सारे करूँ जो बहुत नेसेसरी है वो सारी चीजें करूँ, खाना पीना जरूरी है बिकॉज उसके लिए भी इतने सारे बर्तन रखना ठीक बात नहीं है। तो जो सारे सिरेमिक के हैं वो मैं क्लीन कर लूंगी, तो थोड़ा बहुत स्टील के बर्तन रह जाएगा वो कल आपको कर देगी। किचन में काम करते हुए थोड़ा बहुत एक दो बर्तन अगर हम क्लीन कर लेते ना तो इतना सारा कल सुबह मतलब नेक्स्ट डे सुबह के लिए नहीं होता, और जो भी आपके घर में काम करते हो या आप खुद भी करते हो तो नेक्स्ट डे के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है।
अभी बजे रात के 9, सारे कामकाज हो गए मेरा 7:30 बजे। मैंने सारी चीजें, शाम का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं मेरा, वो सारे निपटा लिए। तो अभी हम दोनों थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर ही, एंड आर्यन गए हैं ट्यूशन क्लास में। तो ये एक अच्छा मौका है कि ये 1 घंटा हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कर ले, उसके बाद जाएंगे घर। ऑस्कर मेलो को खिलाना है और हम लोगों को भी डिनर करना है। एक्चुअली हम टी हट गए थे थोड़ा सा चाय पीने, तो एक ही कप चाय पिए और फिर थोड़ा सा टाइम भी था, तो मैं बोल रहा कि बहुत दिन हो गए नीचे सोसाइटी में हमने वॉक नहीं किया, क्योंकि पहले हम एवरीडे पूरे काम काज खत्म करके फिर हम थोड़ा सा वॉक करते थे या तो आफ्टर डिनर। तो बहुत दिन हो गए नीचे वॉक नहीं किया, तो चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते, थोड़ा सा बातचीत कर लेते, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा वॉक किया, बहुत फ्रेश लग रहा है अभी, और कल सुबह उठने के बाद एक नया दिन शुरू न्यू एक पॉजिटिव वाइब के साथ। तो बस इसी तरह से आज का हमारा दिन गया, थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला दिन चलता है। मतलब लाइफ में हमेशा सब कुछ स्मूथ रहेगा ऐसा भी नहीं है, और जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे चीजें तो होता रहता है, तो इसे हमें हैंडल करना है, और इसे हमें सिर्फ हैंडल ही नहीं, इसे हमें बहुत पॉजिटिवली हैंडल करना है। तो इसलिए कहते हैं कि हम सारे इंसान एक्चुअली फाइटर है, तो जिंदगी के सारे प्रॉब्लम इस तरह से लड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। I think I like it how it is.